हे व्हाट्सअप गाइज, दिस इज़ अ तालिब हियर एंड वेलकम बैक टू द अनदर व्लॉग। एंड गाइज, आज मैं आया हूँ एनर्जी नी इनोवेशन, क्योंकि वेस्ट जो अगरबत्ती की राख होती है और धूप बत्ती की राख होती है, उससे यहाँ पर स्टेचूज बनाए जाते हैं। बाबा बना रखे हैं अगरबत्ती के राख से ही बने हुए हैं, जो कि गाइज जेल कैदी जो होते हैं उनकी सहायता से लेकर उन्हें रोजगार देकर ये उन्हें बनाए जाते हैं। तो गांधी जी ट्रेप में बना रखे, ये सिर्फ गाइज अगरबत्ती की राख से ही बनाए जाते हैं। यहाँ पर अब ऐसे नहीं कि आप अगरबत्ती के राख से गांधी जी ही बनते हैं। देखो, मैं आपको दिखाता हूँ, फोटो बनाए गए हैं जो कि गाइस ये अगरबत्ती के राख से ही बनाए गए हैं। ये सबसे ज़्यादा बेस्ट लगा, और जो उस स्टेचू के ऊपर सबसे ज़्यादा कमेंट रहेंगे उस स्टेचू को हो जाएगा गाइस गिव अवे। और कैसे कैसे बनाए जाते हैं, किस प्रकार बनाए जाते हैं, तो गाइस मैं आपको इस पूरे वीडियो में बताने वाला हूँ। तो गाइस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखते रहिएगा। तो विदाउट एनी मोर टाइम लेट्स डू दैट। तो गाइज अब मैं आ चुका हूँ एनर्जी इनोवेशन, क्योंकि अंदर जहाँ पर हमें मिलेंगे गाइज संजय भाई, जो कि हमें बताएंगे अगरबत्ती और धूपबत्ती की जो राख होती है जिसे आप नालवा देते हैं, ये उन चीज़ों से लेके काम काफ़ी अच्छे अच्छे हैं स्टेचू। जैसे आपको मैं दिखा देता हूँ, ये साईं बाबा बना रखे हैं अगरबत्ती के राख से ही बने हुए हैं, जो कि गाइज जेल के कैदी से लेकर उन्हें रोज़गार देकर ये उन्हें बनाए जाते हैं। तो गाइज सबसे पहले मैं आपको लेके चलता हूँ यहाँ की कलरिंग पे, जो गाइज यहाँ के स्टैचू हैं उन पर कलरिंग कैसे की जाती है और उन्हें शाइनिंग किस प्रकार से दी जाती है। तो गाइज मेरे सामने यहाँ पर एक छोटी सी स्टैचू फिनिशिंग हो रहा है, तो मैं आपको पहले वो दिखाता हूँ, उसके बाद एक एक करके सारे स्टैचू कवर करवाऊँगा। अब गाइज जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, ये संजय भाई एक गांधी जी का स्टैचू पर वर्क कर रहे हैं, जो कि गाइज अगरबत्ती धूप बत्ती की राख को एक जगह मिलाकर एक स्टैचू द्वारा तैयार किया जाता है, जिसमें यूज़ किया जाता है गांधी जी जिस तरह का स्टेचू बना रहे हैं उस तरह का एक सांचा मोल्ड जो होता है उसका प्रयोग किया जाता है। अब जो कमी रहती है वो हैंडमेड द्वारा ठीक की जाती है। गाइस हैंडमेड के काम के बाद आता है काम कलरिंग का, जैसे कि कोई से भी स्टेचूज पे कलरिंग करेंगे तो सबसे पहले कोई से भी स्टेचू पर करते हैं ब्लैक कलर, उसके बाद जो स्टेचू और जिस तरह की शाइनिंग देना चाहते हैं वो करते हैं। जैसे स्टेचू पर आप देख सकते हैं ब्लैक कलर कर रहे हैं गांधी जी पे, और आप आगे आगे देख लीजिएगा कि इसकी शाइनिंग हम कितनी अच्छी तरीके से बढ़ा देने वाले हैं। अब हम आगे पीछे इसके दोनों तरफ ब्लैक कलर करेंगे, उसके बाद थोड़ा टाइम वेट करेंगे हम इसका थोड़ा सूखने का। तो जब ये गाइस सूख जाता है तो इस पर लेंगे और इस पर हल्का हल्का कलरिंग करना स्टार्ट कर देंगे। जैसे अब हम ब्लैक कलर पर हल्का हल्का कलर कर देंगे अंथवा, उसके बाद दी जाएगी इस पर शाइनिंग, जैसे कि आप देख सकते हैं कलर करने कर रहे हैं ये भी, और कलर करने के बाद आप कर रहे हैं इस पर शाइनिंग। अब जो शाइनिंग मेन ज़रूरी है, शाइनिंग के बाद आप देखना है आपको कितना ज़बरदस्त ये स्टेचू लगने वाला है। इस पर शाइनिंग दी जा रही है, मैं अब आपको आगे लेके चलता हूँ इसके जब शाइनिंग के बाद ही कैसा लगता है। संजय भाई के पास, और संजय भाई हमें बताएंगे कि ये किस तरह से जेल के कैदियों की मदद लेके और किस तरह से राख से ये स्टेचू तैयार करते हैं, प्रकार से स्टेचू तैयार करते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा, ये स्टेचू हम लोग इसलिए तैयार करते हैं कि लोग वो होते हैं जिनके बारे में कोई सोचता नहीं है, ठीक है, ट्रायल पे होते हैं कुछ लोग जेल, ठीक है, तो जेल के कैदियों को एक तरीके से रोज़गार मिलता है, ये वही लोग बनाते हैं, तो अंदर बैठे बैठे भी एक काम सीखते भी और प्लस करते भी, तो कुछ पैसा कमा के अपने फैमिली को अंदर बैठे बैठे भी सपोर्ट कर पाते हैं। तो ये जो बना रहे हैं जेल के कैदी बना के भेजते हैं? हाँ, ये सारा जेल के कैदी बना के भेजते हैं। मैं यहाँ पर आके मतलब मैं खुद भी एक सीख रहा हूँ और खुद भी कर भी रहा हूँ, और साथ में मतलब ये जो भी आपने प्रोडक्ट देखे सब जेल के कैदियों के द्वारा तैयार किया गया है। सब सारे जेल के कैदी हैं जी। तो ये जैसे आप अगरबत्ती के राख से बनाते हो तो किस तरह से बनाते हो अगरबत्ती के राख से? सर ये अगरबत्ती की जो राख होती है वो आपको देखिए वो क्या होता है कि कॉन्क्रीट टेक्नोलॉजी से तैयार किया जाता है, ठीक है। इसका क्या होता है, हमारे पास एक मोल्ड होता है, मतलब सांचा टाइप का होता है, जिसे ईजिली हम उसे नॉर्मली अंदर डाल के उसे बना सकते हैं। इसका जो प्रोसेस होता है 24 घंटे का होता है, 24 घंटे में जाके एक स्टेचू तैयार होगा कहीं का भी। जी हाँ, और 10 मोल्ड हुए तो हम 10 मूर्ति भी निकाल सकते हैं, ठीक है, उस हिसाब से होता है। फिर इसमें सारा हैंडमेड है,
और प्लस इनकी लाइट भी बहुत अच्छी है गाइस, ये देख सकते हैं ये गांधी जी बिल्कुल रेडी हैं। गांधी जी नीचे इस तरह से कुछ लगा रखा है जिससे उसकी मजबूती बनी रहे और आराम से कहीं टेबल पर मतलब स्क्रैच वगैरह ना, टेबल पर कहीं स्क्रैच नहीं आए। और इसमें चमक देख सकते हैं कितनी प्यारी चमक आ रही है गांधी जी की स्टेचू के अंदर, चश्मा बिल्कुल हर तरह का। और गाइस एक तरह से कोई बिलीव नहीं कर पाने का कि ये अगरबत्ती की राख से ही बनाया गया है गांधी जी। हिंदुस्तान में कमी नहीं है और बॉडी के लिए काफ़ी ज़्यादा नुकसानदायक है अगरबत्ती। हम लोग मंदिरों में से इकट्ठा करते हैं अच्छा, तो उसी से तैयार करते हैं और जेल के कैदियों को एक तरीके से रोज़गार मिलता है, एक प्लस उनके अंदर एक टैलेंट भी आता है, वो लोग कुछ सीख भी रहे, मतलब बाहर आने के बाद उनको हम लोग एनर्जी नहीं इनोवेशन सपोर्ट भी करता है। सर जेल जो नोएडा जेल उत्तर प्रदेश ग्रेटर नोएडा उस जेल के अंदर साँचे बना के भेज देते हो, साँचे भेज देते हो, वो जो बाकायदा ट्रेनर भी जाता है उनको पेंटिंग वगैरह भी सिखाता है किस तरीके से बनाना, सारा प्रोसेस उन्हें समझाया भी जाता है, बताया भी जाता है। जो राख वाख से बना के भेज देते तो वहाँ से कैदी जेल की कैदी आपको बिल्कुल पेंट वेंट सब करके रेडी करके देते हैं वैसे साथ में पेंट वेंट सब रेडी करके बिल्कुल ऐसा फ्रेश पेस जेल की कैदी बना के देते हैं। बिल्कुल मिलकर आपसे बहुत अच्छा लगा मुझे, आपने मुझे बताया कि बिल्कुल राख से किस तरह से हम राख को यूज़ करके वेस्ट नहीं करके राख को यूज़ कर सकते हैं और उसने प्यारे स्टैचू बना सकते हैं। तो गाइस मैं आपको रूम का टूर दिखा देता हूँ कि गाइस रूम में हमें क्या क्या मिल जाता है। यहाँ पर अब ऐसे नहीं कि आप अगरबत्ती के राख से गांधी जी ही बनते हैं, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। पीछे आप देख सकते हैं स्कूटर बनाए गए हैं, ये आप देख सकते हैं इसकी फिनिशिंग कितनी प्यारी फिनिशिंग आ रही है और ये अगरबत्ती के राख से ही बनाए गए हैं। ये मेरे पीछे काफ़ी सारे स्कूटर बनाए गए हैं, इसके अंदर आप कोई लाइट फिटिंग कर सकते हैं या कोई पौधा उगा सकते हैं। लाइट लगा सकते हैं जिससे स्कूटर के अंदर और शाइनिंग आ जाए। और ये भी सब जेल से ही रेडी हो गया है, जेल के कैदियों ने बना बना के भेजे हैं। अब गाइस हम दूसरी जगह आ गए, जैसे एक साइड में मैंने आपको दिखाया स्कूटर, इस साइड में आप सरदार वल्लभ पटेल जी इधर है, जो स्टैचू ऑफ इधर वो है, कुछ गांधी जी हैं, कुछ इधर बड़े गांधी जी हैं जैसे कि आप इधर देख सकते हो। गांधी जी भी गाइस ये सब अगरबत्ती के राख से ही बनाए गए हैं, जो कि आप अपने घर में जैसे लोग लगाना पसंद करते हैं। ठीक है गाइस मैं अब आपको दिखाता हूँ, जैसे आपने गाइस गांधी जी देख स्लीपिंग बुद्धा होते हैं वो स्लीपिंग करते हुए उनके स्टैचू को जिस तरह से यहाँ पर लगाए गए हैं। जेल के अंदर से ही तैयार हो गया आ रहा है, मैं आपको और दिखाता हूँ कि गाइस जैसे स्लीपिंग बुद्ध हमने देख लिए हैं, ये मैं आपको दिखाता हूँ कि गौतम बुद्ध जी की जो स्टैचू होते हैं वो भी देख सकते हैं गाइस, काफ़ी हैवी बना रखे हैं। आप अपने ऑफिस में लगा सकते हैं, अपने घर पर वो लगा सकते हैं। थोनस के पास एवेंजर्स टीम में आ गए, थोनस बना रखेगा जैसा देख सकते हैं अभी थोनस, जैसे थोनस इधर कुछ स्पाइडरमैन बनाए हुए हैं देख सकते हैं, ये भी स्पाइडरमैन ज़बरदस्त लग रहे हैं, आइंस्टाइन बना रखे हैं, एक अच्छी फिनिशिंग दे रखी है। आप बताइएगा आपको कैसे लग रहा है, मुझे कमेंट करते रहिएगा, मुझे बताइएगा आपको इनमें से कौन सा स्टैचू बेस्ट लगा। काफ़ी देख सकते हैं इधर भी स्लीपिंग बुद्धा रखे हुए हैं, ये कुछ जोगर टाइप में हैं, कुछ मूर्तियाँ भी रखी हुई हैं। आप मुझे बताइएगा इनमें से आपको कौन सा स्टैचू पसंद आया है, मुझे कमेंट कीजिएगा।
कौन सा वाला स्टैचू सबसे ज़्यादा बेस्ट लगा और जो स्टैचू के ऊपर सबसे ज़्यादा कमेंट रहेंगे उस स्टैचू का हो जाएगा गाइस गिव अवे। वो मिल तीन चार लोगों को जीत सकते हैं गिव अवे, स्टैचू आपको गिव अवे के तौर पर मिल जाएगा। तो गाइस आई होप आपको ये व्लॉग पसंद आया, अगर गाइस छोटा सा व्लॉग था, अगर गाइस आपको पसंद आया तो गाइस वीडियो कर दीजिएगा लाइक एंड वीडियो कीजिएगा शेयर एंड गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो गाइस मिलता हूँ मैं आपसे अगले और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।